नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। आज लगभग 4 महीने बाद मैं एक बार फिर से कक्कन मठ के परिसर में खड़ा हूँ और इस बार एक विशद भाव यात्रा होगी जिसमें मंदिर की जो वास्तुकला है उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले मंदिर का जो बाहरी क्षेत्र है वहाँ पर एक छोटे मंदिर का अवशेष मिलता है और उसके पास ही एक शिवलिंग भी है, उसका परिचय मैं आपको करवाता हूं और आप मेरे साथ बने रहिए इस छोटी सी भाव यात्रा पर। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये संभवतः यहाँ सामने जो एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है उसका अंश हुआ करता था, ये इसके गर्भगृह में प्रतिष्ठित रहा होगा, ऐसा ही मैं मानता हूँ, ऐसी मेरी मान्यता है। लेकिन शिवलिंग जो है उसके 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जो आधार जिसे हम पिंडिका कहते हैं वह ब्रह्म भाग के नाम से जाना जाता है, जो निचला हिस्सा आप देख रहे हैं, और उसके बाद ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर वाला उसे हम विष्णु भाग कहते हैं, और जो सबसे ऊपर जिसकी पूजा होती है उसे रुद्र भाग कहते हैं। और वो तीन जो पंक्तियाँ वर्टिकली जो आप देखते हैं शिवलिंग के ऊपर, जिसके बिना शिवलिंग अधूरा माना जाता है या पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, उसे ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं हम। ये एक साधारण सा परिचय है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिवलिंग प्रतीत होता है, जो बड़ा सा शिवलिंग भी है। इसका जो इसकी जो पिंडिका है, जो इसका आधार है, उसे देख करके ऐसा अनुभव होता है और संभवतः यह इस मंदिर का अंश रहा होगा, ये शिवलिंग यहीं प्रतिष्ठित होगा। इसका जो बाहरी हिस्सा है ये यहाँ से दिखाई देता है, टूट गया है ये मंदिर, लेकिन यहाँ से निश्चय ही मैं मानता हूँ कि ये इसी मंदिर का हिस्सा रहा होगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि चिरपरिचित तो वही वास्तुकला दिखाई देती है, कीर्तिमुख आप दीवारों पर देख सकते हैं, नीचे कमल दल बने हुए हैं, कलश और स्तंभ पर जो है अत्यंत ही महीन अलंकरण है, और भीतर चूँकि कुछ है नहीं अवशेष तो वहाँ दिखलाने योग्य कुछ नहीं है। इसके बाहरी प्रदक्षिणा पथ पर भी चलना मुश्किल है क्योंकि चारों ओर पत्थर बिखरे पड़े हैं, लेकिन आप अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ कक्कन मठ के बाहरी क्षेत्रों में और भी बड़े सुंदर सुंदर मंदिर रहे होंगे जो कि काल के साथ नष्ट हो गए, ढह गए, बर्बाद हो गए, सिर्फ भग्नावशेष आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं निचले हिस्से में, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि एक वादक की प्रतिमा है और बगल में आप नर्तकी को देखते हैं। ऊपर जो है यहाँ पर पुनः कीर्तिमुख दिखाई देते हैं दीवारों पर, और कुछ लताओं आदि के चित्रण, हम महीन लताओं के चित्रण देखते हैं जो कि द्वार पर अनिवार्य रूप से उकेरे जाते थे। अब अगला वीडियो मेरा कक्कन मठ की विशेषताओं पर होगा, क्योंकि वह मंदिर ऐसा है कि उसने मुझे पहली बार जब मैं आया था तो मुझे अभिभूत किया था। मैं पुनः इस मंदिर में लौट करके आया हूँ और मैं इसको निकट से देखना चाहता हूँ, इसकी जो वास्तुकला जो है इसकी अनमोल, उस पर मैं अपनी दृष्टि डालूँगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस छोटे वीडियो को समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो की ओर प्रस्थान करता हूँ। मेरी भाव यात्रा चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।